हेलो बच्चों, कैसे हो सब। दंगल टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022 के पेपर नंबर 10 के सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अलोंग विच ऑफ द थर्मोडायनेमिक पाथ्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर द हीट गिवन इज मोर। क्यू की वैल्यू पूछिए, क्यू की वैल्यू किसमें ज्यादा है। देखो पीवी कर्व दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसकी एक्सिस किस तरफ है। इस तरफ जो है एक्स एक्सिस को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है एंड वाई एक्सिस को वी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें क्यू को पूछा है क्यू की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी। तो देखो पी वी कर्व का जो एरिया होता है वो वर्कडन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एरिया इस तरफ नहीं लेना, वी की तरफ एरिया को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएं तो दोनों ही प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉरी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों ही प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और जो क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू दोनों के लिए सेम है तो वर्कडन पे ही तो डिपेंड करेगा क्यू। अब वर्कडन कैसे कैलकुलेट करें, देखिए ए प्रोसेस की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला आएगा, और बी प्रोसेस के लिए बात करें तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आएगा। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो बी वाला जो पाथ है इसके लिए एरिया ज्यादा है, तो इसके लिए क्यू बी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर टू, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इक्वल्स टू 5 यूनिट्स इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 यूनिट्स इन एक्स ओ वाई प्लेन अलोंग द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज। एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए एक्स वाई और ये हो गया, और पार्टिकल की स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड है या यूनिट है, और इस लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 को आप ड्रॉ कर लीजिए, x इक्वल्स टू 0 रखो तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल। और अगर x की वैल्यू -4 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो -4 मतलब यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं, तो पाथ जो है वो कहीं इस तरफ आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। तो मान लीजिए पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर प्रेजेंट है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 3√2 यूनिट है, और मास कितना है, 5 यूनिट है। तो मोमेंटम कितना आएगा, m इंटू वी, तो 15√2 आ जाएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम 15√2 है, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट हमसे पूछा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी। अब ये वाला डिस्टेंस 4 है और ये वाला डिस्टेंस भी 4 के इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 90 है और ये वाला 45, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45। तो 4 का इस तरफ अगर अपन कंपोनेंट लें तो 4 cos 45 मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगी, 4 cos 45 मींस 2√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 आ गई, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजन कितना आ जाएगा, 15√2 इंटू में 2√2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 30 × 2 विच मीन्स 60 यूनिट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ए साइक्लिस्ट गोइंग ड्यू वेस्ट एट 5 मीटर पर सेकंड टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इफ द स्पीड ऑफ द साइकिल रिमेंस अनचेंज्ड इन द टेकिंग टर्न द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इज। पहले साइक्लिस्ट किस तरफ जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वेस्ट इस तरफ कंसीडर कर ले हम, और वेलोसिटी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इस वेलोसिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं 5i कैप माइनस का। ठीक है, वेस्ट में आ गया ये, और कुछ टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी जो है ये किस तरफ टर्न ले रहा है, ये टर्न लेता है राइट साइड में, है ना, 90 डिग्री एंगल से। तो साइक्लिस्ट को इधर मुड़ना है, राइट साइड में बोले तो इस तरफ मुड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी सेम स्पीड से, मतलब 5j कैप। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ये वाली है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, तो चेंज कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल 5j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5i कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लें तो 5√2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 5√2, और डायरेक्शन की बात करें तो आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में ये मिल रहा है अपन को, और आई कैप जे कैप किस तरफ आ जाएगा, आई कैप बोले तो ईस्ट, जे कैप बोले तो नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, when a photosensitive surface is illuminated with the light of wavelength lambda, stopping potential is V.
ठीक है, व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी बाई 3, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सर्फेसिस। ठीक है, तो देखो पहले हमने वेवलेंथ लैम्डा की लाइट को इंसिडेंट किया, तो एनर्जी कितनी आएगी फोटोन की, एच सी बाय लैम्डा, और जो सरफेस है उसका वर्क फंक्शन मैंने फाइ कंसिडर कर लिया, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है वी, तो ई वी आ गया। सेकेंड केस में हमने सेम सरफेस लिए बट वेवलेंथ कितनी लिए लाइट की, 2 लैम्डा, तो एच सी बाय 2 लैम्डा, वर्क फंक्शन वही रहेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है वी बाई 3, सो ई वी बाई 3 आ गया। ठीक है, हमें वी नहीं चाहिए यहाँ पर, फाइव की वैल्यू पूछी एक तरीके से, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, एंड देन ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन को, माइनस माइनस ये कट गया, 3 5 माइनस 5 कितना आ गया, 2 5, और इस तरफ कितना आएगा एच सी, 3 HC/2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा, मतलब एच सी बाय ये 2 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू फाई को लिख सकते हैं एच सी अपॉन में लैम्डा डैश, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ पर एच सी बाई 2 लैम्डा, एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा डैश इक्वल टू कितना आया 4 लैम्डा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके बराबर आ गई, 4 लैम्डा के इक्वल आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी सिलिकन विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 एंड रिवर्स इज इन्फिनिटी, द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज। देखिए डायोड के बारे में दे रखा है सिलिकन डायोड है, और सिलिकन डायोड के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट। अब ये दोनों के दोनों सिलिकन है, लेकिन यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल है और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है, तो सीधी सी बात है ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और ये वाला रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये क्लोज्ड, लेकिन ये ध्यान रखना है इसका नी वोल्टेज जरूर हमें कंसीडर करना है, विच इज 0.7, तो इसको इक्विवेलेंटली अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0.7 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, सेम रेफरेंस पर है, इवन आप कनेक्ट भी कर सकते हो दोनों को, इस पॉइंट का वोल्टेज 20 वोल्ट है और यहाँ पर ये 0 है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये 0.7 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 0.7 वोल्ट, तो इस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप बचेगा वो कितना आएगा, 20 माइनस 0.7, विच इज 19.3 वोल्ट, करेक्ट। अब 19.3 वोल्ट में 2 किलो ओम को डिवाइड कर दोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 से अगर अपन डिवाइड करें यहाँ पर कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 9.65 मिली एम्पियर, क्योंकि ये किलो ओम में है तो किलो ऊपर जाएगा तो 10^-3 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 9.65 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए सर्टन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज। देखो क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, तो जैसे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है, ऊपर एयर मान लेते हैं सपोज, तो म्यू की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर म्यू की वैल्यू म्यू लिखी मैंने, क्रिटिकल एंगल की बात करें तो थीटा सी पर जाता है और ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, तो उस केस में साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आती है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, यहाँ पर 3/5 दे रखा है अपन को थीटा सी की वैल्यू साइन इनवर्स में, सो वी हैव म्यू इक्वल्स टू 5/3, म्यू की वैल्यू 5/3 आ गई। और ब्रूस्टर एंगल, पोलराइजिंग एंगल जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि जब रेरर मीडियम से या एयर से किसी डेंसर मीडियम पर लाइट इंसिडेंट होती है, ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, तो उस केस में ये जो एंगल आता है आई पी, इस एंगल की वैल्यू अपन 10 IP इज इक्वल टू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी हैव IP इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू 5/3 है, तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 5/3, तो पोलराइजिंग एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 5/3, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ स्टील इज ईटा एंड इट्स यंग्स मॉडुलस इज वाई, ए पीस ऑफ स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज चेंज्ड इनटू ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए बाय 10 देन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो वाई और ईटा जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ वगैरह इन पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, वाई एंड ईटा रिमेन्स द सेम। ठीक है, 8th, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर द गिवन कर्व्स, इनमें पूछा है कि T1 T2 कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। देखिए ये जो पीक आता है ना, ये पीक हमेशा ध्यान रखना है, इस पीक के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आती है ना, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर अपन कंपेयर करें दोनों में, तो कर्व जो 2 बना रखा है उसकी ज्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो √T के प्रोपोर्शनल होता है, और T जो है वो कर्व नंबर 2 का क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आगे शिफ्टेड है ये, सो T2 इज ग्रेटर देन T1, सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एज ऑन द फिगर, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ शोन, देन द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। वर्क डन पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन जो आएगा
कंजर्वेटिव फोर्स है, विच इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, या माइनस ऑफ डेल्टा यू भी आप लिख सकते हो इसको। तो यू इनिशियल मतलब हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं पार्टिकल को, और यूनिट चार्ज है वो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ए पे होगा तो इस पी पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, 5 कूलम, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये 3 + 1 = 4, रेडियस इस सर्कल की कितनी है, 4 है, तो ये डिस्टेंस भी 4 के इक्वल है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3, 4, तो ये 5 के इक्वल आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इनिशियल एनर्जी जो है इन दोनों चार्ज की वो कितनी आनी चाहिए, यू इनिशियल इज इक्वल टू के क्यू, तो एक तो आ गया 5, दूसरा आ गया 1 यूनिट, तो इन टू में 1 लिख दो, अपॉन जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ गई एनर्जी। और यू फाइनल की बात करें तो जो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा बी पोजीशन पर, तब एनर्जी कितनी आएगी, तो के इंटू चार्ज 5 × 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो 100 ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो आ गया 100 के, और ये आ जाएगा 500 के। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो 100 के माइनस 500 के कितना आ जाएगा, माइनस का 400 के, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड हैव, परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी एंड कोरोसिविटी दोनों की वैल्यू हाई होनी चाहिए, हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो ये बी हो गया, ये एच हो गया, इस टाइप से ये कर्व होना चाहिए, तो ये विड्थ भी ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली विड्थ भी ज्यादा होनी चाहिए, रिटेंटिविटी एंड कोरोसिविटी दोनों की दोनों हाई होनी चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ 3 kg इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, पी दे रखा है आपको, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन पूछा है तो मोमेंटम गिवन है तो सीधी सी बात है फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, 12 TI cap + 7 J cap and 5 K cap का 0। एक्सेलरेशन चाहिए तो मास से डिवाइड कर दो, मास कितना है 3, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 40 I cap + 7/3 J cap, तो ये मैच करिए, देखिए सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई, विच इज 1/2 mv², ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो वी कॉस थीटा के बराबर होती है, एंड थीटा हियर इज 45 डिग्री, सो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो वी कॉस 45 बोले तो v/√2, सो हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी 1/2 mv² / 2, v/√2² / 2, एंड 1/2 mv² इज ई, सो ई बाई टू इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए सिलेंड्रिकल मेटल रोड ऑफ लेंथ एल नॉट इज शेप्ड इन टू ए रिंग विद ए स्मॉल गैप ऑन द फिगर ऑन हीटिंग द सिस्टम इज, देखो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर अपन हीटअप करेंगे तो जनरली एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन ये ध्यान रखना हर तरफ होगा, ठीक है, चाहे इसकी थिकनेस हो, चाहे इस गैप की बात करें, ठीक है, चाहे इस रेडियस की बात करें, सारी डायमेंशन जो हैं वो बढ़ेंगी इसके अंदर, ठीक है, तो एक्स इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, डी इंक्रीज होगा, और इसको समझना भी है तो जिस गैप को यहाँ बना रखा है इसको आपको फिल कर देना है उसी सेम मटेरियल से, ठीक है, सेम मटेरियल से फिल कर दीजिए, एंड देन फिर टेम्परेचर राइज कीजिए, एंड देन फिर सोचिए कि क्या होगा इसके साथ, तो ये पूरा एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में एक्स इंक्रीज होगा, इवन ये विड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और ये आर भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो एक्स आर एंड डी ऑल इंक्रीज, ठीक है, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। वन बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम 3 springs एट द फिगर, ई स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के, इफ द मास एम इज डिस्प्लेस स्लाइटली देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, इसको हल्का सा शिफ्ट करके छोड़ दिया तो टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी है, तो ये दोनों जो के है ये दोनों पैरेलल में आ गए तो कितना आ जाएगा 2k, और फिर ये k जो है ये वाली स्प्रिंग सीरीज में आ जाएगी, तो 2k एंड k का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 2k/3, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k/3 आ जाएगा, देन टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√m/2k/3, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फिर सेकंड ऑप्शन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 2 waves इज 9:1, दीज वेव्स प्रोड्यूस द इवेंट ऑफ इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, दोनों इंटेंसिटी का रेशियो आपको 9:1 दे रखा है, तो आपने क्या करना है, I1 9 के इक्विवेलेंट मान लेना है और I2 1 के इक्विवेलेंट मान लेना है, ठीक है, सो I max अपॉन I minimum पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वेयर होता है आई मैक्स, और आई मिनिमम कितना होता है रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वेयर। सो ये आई वन इज नाइन, नाइन का अंडर रूट कितना आ जाएगा थ्री, और वन का अंडर रूट वन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा थ्री प्लस वन, यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन टू, मतलब टू, टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर, तो आंसर आ जाएगा फोर रेशो वन, फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड टू टू रिजिड सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेंथ वेव लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट इज। एक स्ट्रिंग दे रखी है हमें, लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों साइड से इसको क्लैंप कर रखा हमने, और ये पूछा है कि इसमें जो स्टेशनरी वेव आएगी उसकी मैक्सिमम वेव लेंथ कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, ये दोनों पॉइंट अगर नोट हो, फंडामेंटल मोड की अगर अपन बात करें तो उसके इसमें वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और ये जो लेंथ है ये लैम्डा बाई टू के बराबर होगी। सो ये लैम्डा बाई टू इज 40 सेंटीमीटर, देन लैम्डा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन। 17, एम्पियर सर्क्यूलर लॉ फॉर द फॉलोइंग क्लोज्ड पाथ विल बी। तो एसीएल से अगर अपन देखें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई इन। तो लेफ्ट साइड में तो सब में सेम ही है, ठीक है, राइट साइड में बात करनी है अपन को। तो समीशन म्यू, समीशन आई इन जो है वो इस लूप के अंदर से फ्लो होने वाली नेट करंट है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है सेम डायरेक्शन फ्लो होने वाली करंट जो है वो ऐड होगी, अपोजिट वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसमें अगर सेम डायरेक्शन में देखें तो 5 एंड 2 सेम डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा 7, और 3 एम्पियर अपोजिट है तो 3, 7 माइनस 3 मतलब 4 एम्पियर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा म्यू नॉट 4a, ठीक है, ए मतलब एम्पियर है यहाँ पर, बाकियों में किसी में भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 18th, ए रेडियो एक्टिव सैंपल एट एन इंस्टेंट हैज इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स द रेट इज 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, देन द डीके कांस्टेंट पर मिनट इज। देखो एक्टिविटी जो है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के इक्वल होती है, और 5 मिनट बाद में जो एक्टिविटी है वो 1250 के बराबर है, 1250 के बराबर है, ए नॉट 5000 के इक्वल है, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लॉग ले लें अपन, तो लॉग 1/4 मतलब बोले तो लॉग 4 बट माइनस के साथ, माइनस एल एन 4 इज इक्वल टू, यहाँ ई हट जाएगा माइनस का लैम्डा टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, वी हैव टी इज इक्वल टू एल एन 4 बाय लैम्डा बाय टी, लैम्डा की वैल्यू पूछिए, टी को डिवाइड कर देना है। अब टी कितना है, 5 मिनट है, और पर मिनट में पूछा है, तो ये टी की वैल्यू 5 रख दो या 1/5, 1/5 कितना आ जाएगा 0.2, 0.2 एल एन 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 0.2 एल एन 4, करेक्ट। अब इसमें एल एन 2 में आंसर दे रखा है तो इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हो, 2 इधर आ जाएगा, पावर है तो आगे फ्रंट में आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 एल एन 2 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोई चले। 19th, पावर ऑब्टेंड बाय बॉडी इज गिवन बाय पी इक्वल टू अल्फा वी प्लस बीटा ओवर गामा प्लस टी, देन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग वेयर वी इज वेलोसिटी टी इज टाइम एंड अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट्स। पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, यूनिट ऑफ अल्फा इज द सेम एज फॉर फोर्स। देखो ये पावर है और ये अल्फा इंटू वी भी पावर का होगा और बीटा अपॉन गामा प्लस टी भी पावर का होगा, तो ये पावर के लिए ही रिप्रेजेंट करेगा ना, पी बराबर अल्फा इंटू वी के बराबर ही होगा, ये वी वेलोसिटी है एंड पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, पी बराबर एफ इंटू वी होता है, तो अल्फा जो है वो फोर्स की यूनिट का ही होगा, तो इसका मतलब ये वाला सही है, हमको रॉन्ग ढूंढना है। नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ गामा इज सेम एज फॉर टाइम, तो गामा प्लस टी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब गामा की यूनिट भी सेम होगी वो जो कि टाइम की होगी, ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब थर्ड देखिए, यूनिट ऑफ बीटा इज सेम एज फॉर वर्क, बीटा की यूनिट, देखो ये गामा प्लस टी जो है ये टाइम की यूनिट है एंड बीटा वर्क होगा, डब्ल्यू बाई टी क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, इसका मतलब ये भी ठीक है। फोर्थ कह रहा है अल्फा इज द सेम फॉर बीटा बाई वी, बीटा बाई वी, बीटा किसका है, वर्क का है ना, और अपॉन में वी, और अल्फा किसका है, फोर्स का है, तो F इंटू वी डब्ल्यू वर्क डन को थोड़ी बताएगा, वो तो पावर को बताता है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। इन द फिगर शोन रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वन एंड ए टू विल बी, ये जो वेज आपको नजर आ रहा है इसका एक्सेलेरेशन ए टू है, और जो ये जो बार आपको नजर आ रहा है इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए वन है,
लेकिन बार केवल इसी डायरेक्शन मूव कर सकती है। तो बार पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो और वेज पे यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ है A2, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा आएगा। तो A2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो A2 cos अल्फा आएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो A2 sin अल्फा आएगा। और जो बार पे जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन इसी तरफ रहेगा विच इज A1। तो इनके बीच में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में रहने चाहिए, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इक्वल होने मस्ट हैं। तो A1 बराबर A2 sin अल्फा आना चाहिए, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द फिगर, द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पूछा हमसे। देखिए इक्विलिब्रियम बोले तो फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फोर्स इन दोनों पॉइंट पे जीरो है देखो, ठीक है। और इनमें अगर अपन चेक करें कि कहाँ पर स्टेबल होगा, स्टेबल में ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजिशन से पार्टिकल को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो पार्टिकल वहीं आने का ट्राई करता है। तो अगर इस पोजिशन से अगर मैं पार्टिकल को इस तरफ शिफ्ट करूँ नेगेटिव साइड में, तो फोर्स जो है पॉजिटिव साइड है, देखो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब यहाँ अगर पार्टिकल है ये, तो पार्टिकल को आपने इधर शिफ्ट किया तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। और जब अगर आपने पार्टिकल को इस तरफ शिफ्ट किया यहाँ पर, तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव जा रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग, पार्टिकल यहाँ आया तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो पार्टिकल उसी मीन पोजिशन पर आने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो X2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो तो ये अनस्टेबल आएगी, आंसर इज सेकेंड, ठीक है। 22. In a one-dimensional collision between two identical particles A and B, B is stationary and A has momentum P before impact. दो पार्टिकल है, identical है, दोनों का मास क्या है? Same. पार्टिकल A, पार्टिकल B. ये पार्टिकल लेट से u स्पीड से आ रहा है, ये पार्टिकल रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? पार्टिकल A की वेलोसिटी लेट से v1 हो गई, पार्टिकल B की वेलोसिटी v2 हो गई, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एम यू इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, एम यू इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू, एम कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू यू, ठीक है। अभी कह रहा है ड्यूरिंग इम्पैक्ट बी गिव्स एन इम्पल्स जे टू ए, अगर बी जो है ड्यूरिंग कोलिजन अगर ए को जे इम्पल्स देता है तो सेम अमाउंट का इम्पल्स ए बी को भी प्रोवाइड करेगा, तो बी को जो इम्पल्स मिलेगा वो भी जे के बराबर होगा। तो जे इज इक्वल टू बी का इंपल्स देखें अपन, तो फाइनल मोमेंटम कितना है बी का एम वी टू और इनिशियल कितना है जीरो, सो जे इज इक्वल टू एम इंटू वी टू। और जो ए पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना है? उसका मोमेंटम पी है देखो बिफोर इंपैक्ट। तो ए के लिए अगर मैं बात करूं तो पी इज इक्वल टू एम इंटू यू के इक्वल है, करेक्ट। हमसे पूछे देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द टू इज, देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट विच इज वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज यू, ठीक है। तो ई को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें हमको वी टू चाहिए वैसे, क्योंकि वी टू को जे की टर्म्स में लिखा है, लिख सकते हैं, और यू को पी की टर्म्स में लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें हम, तो माइनस वी वन प्लस वी वन कट जाएगा, ये आ जाएगा टू वी टू इज इक्वल टू ई प्लस वन इंटू यू, राइट। सो वी हैव टू, वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जे अपॉन एम इज इक्वल टू ई प्लस वन, और u की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन m, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और p को यहाँ डिवाइड में ले आइए तो 2j अपॉन p इज इक्वल टू ई प्लस वन आ गया, देन वी हैव e इज इक्वल टू 2j अपॉन p माइनस वन, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 22. A particle of mass m is placed at center of a uniform spherical shell of equal mass and radius a, gravitational potential at a point p एट ए डिस्टेंस ए बाई टू फ्रॉम द सेंटर, एक शैल दे रखा है, इसका मास एम है और इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ एम, इस शैल की रेडियस ए के इक्वल है और हमें ए बाई टू डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो शैल का पोटेंशियल तो वही होगा जो सरफेस पर होगा, यहाँ पर उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस जी एम बाई ए, और इस पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस जी एम अपॉन ए बाई टू, करेक्ट। सो आंसर इज माइनस 3gm अपॉन ए, सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 24. Two particle of equal mass m go round a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. दो पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और R रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पूछा है पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा होगा v स्पीड से तो ये वाला पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा v स्पीड से, ठीक है, ताकि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहें।
तो इस वाले पार्टिकल पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? जी एम इंटू एम विच इज एम स्क्वेयर, क्योंकि मास सेम है दोनों का, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 2r, तो 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वेयर बाय आर, एम इंटू वी स्क्वेयर। और रेडियस कितनी है? वो भी r के इक्वल है, एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन में 4r। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट 25th, a cubical block of side A is moving with velocity v on a horizontal smooth plane as shown, it hits a ridge at point O, the angular speed of the block after it hits O is, देखिए ये जो block ये move कर रहा है v speed से, जहां यहां पे ridge आ रहा है, ridge को अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही इससे collision करेगा, ठीक है, तो इस ridge के about ये इस तरीके से rotate होगा omega angular speed से, और omega की value पूछी है हमसे, तो जहां पर ही रिज है वहीं पर ही इस पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखूं तो टॉर्क जीरो नहीं हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली ना, टॉर्क जीरो होगा यहां पर, और टॉर्क जीरो का तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट मैं कंजर्व कर सकता हूं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ब्लॉक का जो है वो कितना आएगा? एम वी, क्योंकि रोटेशनल तो है नहीं अभी, तो सेंट्रो मास के लिए लेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम, तो एम वी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी आ जाएगी इस एक्सिस से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली आएगी, तो वी ए बाई टू हो जाएगा, तो एम वी इंटू ए बाई टू। एंड आफ्टर कोलिजन विद रिज, है ना, अगर जब ये हिट करेगा उसके बाद में ओमेगा एंगुलर स्पीड गेन करेगा, तो इसके अबाउट ये रोटेट होगा, परफेक्टली रोटेट होगा, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कितना जाएगा? आई इंटू ओमेगा, लेकिन आई ध्यान रखना इस एक्सिस के अबाउट होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट आई निकालने के लिए आपको सेंट्रो मास के अबाउट निकालना पड़ेगा पहले, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? एम ए स्क्वायर बाय सिक्स, इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय सिक्स होगा, ये ICM है, प्लस m मास, और इनटू में ये डिस्टेंस हो जाएगी दोनों एक्सेस के बीच की, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी a बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, तो ए बाई रूट टू का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई टू, LCM ले लो तो ये सिक्स आ गया, m a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ जाएगा वन प्लस थ्री, फोर बाय सिक्स आ गया, तो टू एंड ये टू आ जाएगा और ये थ्री आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी है अपने पास आई की? आ जाएगी एम ए स्क्वायर बाय थ्री, और इधर आ गया टू, ये तो आ गया आई, आई इंटू में ओमेगा, तो एम एम ए से ए कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव थ्री वी बाय फोर ए, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थ्री वी बाय फोर ए, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 26th, a metal rod of length 2 meter has cross sectional area 2a and a as shown the figure, the ends are maintained at temperature 100 degree centigrade and 70 degree centigrade, the temperature at midpoint c is, c per temperature pucha, let's say t hai, ab inka jo conductivity hai, thermal conductivity dono ki, kyunki same metal rod hai to k consider kar lenge apan, theek hai, ab ye dono jo rod hai inka jo thermal resistance hai wo kitna hoga? Thermal resistance ki value hoti r equals to length l upon me ka, yahi basic formula hota hai, तो k दोनों का सेम है एंड इवन लेंथ भी दोनों की सेम है, तो l बाई k तो दोनों का सेम ही है। एरिया की बात करें, इसका एरिया डबल है, इसका एरिया a है, इसका मतलब इसका अगर मैं रेजिस्टेंस a r कंसीडर करूं तो इसका 2r हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो इसको मैं इस वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो, सो दिस इज r, दिस इज 2r, मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करना है, t मान लिया मैंने, इसका मैंने 100 मान लिया, 100 दिया हुआ है, सॉरी इसका 70 है, तो बाकी हीट करंट दोनों में सेम होगी। अब हीट करंट सेम होगी तो अपन डी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो 100 माइनस टी, या वैसे डायरेक्ट अगर हीट करंट निकाले, हीट करंट एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आएगा टेम्परेचर का? डिफरेंस आ जाएगा 100 माइनस 70, 30 अपॉन में थर्मल रेजिस्टेंस विच इज 3R, ये आ गया एच की वैल्यू, इसे काट भी सकते हैं, चलो बाद में देख लेंगे बाकी। और अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में हीट करंट सेम होगी, एच इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 माइनस टी अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है? R, R से R ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया, सो 10 इज इक्वल टू 100 माइनस टी, देन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट विद डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर? पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब बोले तो डीवी बाय डीएक्स, सही है, और ये वैसे पता है अपन को कि जो ये जो कैपेसिटर है, प्लेट्स जो दे रखी हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा,
मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। डी यू बाई डी एक्स माइनस का डी यू बाई डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, ई होता है। यहाँ पर ग्राफ सारा पॉजिटिव में दे रखा है, तो अपन डी बाई डी एक्स का मॉडुलस लेके अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ई की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, डेफिनेटली कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। तो फर्स्ट में मिल रहा है अपन को फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन अंदर यहाँ ई जीरो है तो जीरो आना चाहिए, जो कि नहीं है। ये गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया। जो है स्ट्रेट लाइन दे रखा है लेकिन इंक्लाइंड है, तो गलत हो गया। इसमें भी ये गलत हो गया। इसमें देखें तो देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड देन फिर जीरो एंड देन फिर वापस वही सेम वैल्यू आ गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। इन द गिवन आरएलसी सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज, हमसे अप्लाइड वोल्टेज पूछा गया है इस गिवन सर्किट के अंदर। अब देखिए ये जो VL VR जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, 40 है। वेक्टर मेथड से अपन इसको डील करते हैं। VL कितना है, 40, ये 40 ऊपर चला गया। VC कितना है, 10, तो 10 वोल्ट नीचे आ गया। तो 40 माइनस 10 कितना बचा, 30 बचाना इधर की तरफ, तो दिस इज 30 वोल्ट। तो V जो है इनका रिजल्टेंट होगा, RMS वैल्यू पूछी हमसे, तो 30 एंड 40 का रिजल्टेंट कितना जाएगा, 50 वोल्ट। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। 29th, a long straight wire of circular cross section carrying steady current I, the current is uniformly distributed across this cross section, the variation of magnetic field with the distance r from axis of the wire is। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए। तो सॉलिड यूनिफॉर्म वायर अगर है, उसमें करंट अगर फ्लो कर रही है यूनिफॉर्मली, तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वैरी करता है एंड देन बाहर 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, विद द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू मटेरियल मीडियम द क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेशन डायरेक्शन आर, कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है ट्रांसमिट होती है। पहली बात तो यह है कि जो वेव ट्रांसमिट होती है उसके साथ एनर्जी प्रोपागेट करती है और साथ ही साथ मोमेंटम भी प्रोपागेट करता है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों के दोनों प्रोपागेट करते हैं, मास प्रोपागेट नहीं करता है जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलें। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो उसके लिए ये दोनों एंगल अगर बराबर है ना, आई और ई जब दोनों बराबर होंगे तो उस केस में आर वन और आर टू भी बराबर होते हैं। आर वन आर टू बराबर होने का मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाली जो रे है, ये रे बेस के एकदम पैरेलल होगी, तो क्यू आर इज हॉरिजॉन्टल होना चाहिए इसका। तो सेकंड ऑप्शन का जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट एट टाइम टी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी द पार्टिकल फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ सर्कुलर पाथ। देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा पार्टिकल का, वाई कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से टी को लिमिट करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टिकल का पाथ कैसा है। इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके अगर सम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो राइट साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। उसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजन पे। ठीक है, इस टाइप से ये सर्कल बनेगा, तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल सर्फेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमसे पूछा है। तो वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछिए। एच सी बाय लेमडा को लिख सकते हैं 12400 अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी वैल्यू। और 5 जो है वो हमको दे रखा है 1.9 ई वी के अंदर। ठीक है, और ये आ जाएगा ई वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू पूछिए यहाँ से, ई तो हट ही जाएगा सबसे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 00 कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करो तो ये कितना आया, 2 एंड देन 4। ठीक है, ठीक है, तो 248 और ये 0.1 आ जाएगा, तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई। तो वी नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2.48 माइनस 1.9, तो 8 आ गया, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो 34 से, फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेल। इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाय 2 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड विल बी। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं फोटो सेल से वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इंटेंसिटी भी डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात नंबर ऑफ फोटोन्स भी ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो डी बाई टू का डिस्टेंस वन हाफ कर दी जाए तो इंटेंसिटी उस केस में कितनी हो जाएगी, 4 times, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना, तो डी बाई टू होने के कारण इंटेंसिटी 4 times हो जाएगी। इंटेंसिटी बोले तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना उस फोटो सेल पर वो 4 times हो गए, और अगर 4 times होंगे तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे थे पहले से वो 4 गुना हो जाएंगे, 4 times हो जाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स मास, इट्स वेलोसिटी वी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे डायमेंशन बेस्ड था लेकिन एच अपन एम वी अपन जानते हैं ये मैटर वेव की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी पे आ चुके हैं। 36 द रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप हुज लेंस हैज अ डायमीटर ऑफ 1.22 मीटर फॉर अ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम्स। रिजोल्विंग पावर पूछी है, टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर कितनी होती है, आर पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, आपको डायमीटर दे रखा 1.22 मीटर डिवाइड में 1.22 एंड लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻¹, ये से कट गया, 10⁻¹ को ऊपर ले जाएगी 10⁻¹ / 5, ये 6 कर दीजिए यहाँ पे इंटू में 10 कर दो, डिवाइड करो तो 2 × 10⁻¹ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स एनर्जी ई, डेंसिटी डी एंड पावर पी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्वेश्चन जी विल बी। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ई डी और पी के टर्म्स में बताना अपन को। तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला जी का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर होता है। F के लिए कितना होता है m1 l1 t - 2, r square into मतलब l2 और m square मतलब m square divide में आ गया। g का dimensional formula अगर हम देखें तो क्या आएगा, m की power -1 l की power 3 t की power -2, ये g का dimensional formula है। ठीक है, next energy की अगर अपन बात करें तो energy का dimensional formula कितना होता है, m1 l2 t - 2, power का क्या होगा, t को divide कर दो m1 L2 T - 3, एंड डेंसिटी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L - 3 और T0। ठीक है, ई पी और डी से जी बनाना है अपन को। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से अपन सोल्व भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं ना उस वे से अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं इसको, बट आई थिंक बेटर ये रहेगा कि आप ऑप्शन इसको करें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ई की पावर -1, सबकी पावर माइनस नेगेटिव है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/e d² p²। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं, तो ई आएगा डी स्क्वेयर आएगा तो इसमें ई में कितना आएगा, m1 p² भी आ रहा है तो m2 और डी स्क्वेयर आ रहा है तो मतलब m2, तो m की पावर 5 आ जाएगा, जो कि ऊपर जाने पे m की पावर -5 आएगा, लेकिन m की पावर -1 दे रखा है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड देखिए e की पावर -2 देखते हैं, चलो ई स्क्वेयर डी और पी स्क्वेयर ऊपर है, अब रख के देख लेते हैं, चलो पी स्क्वेयर करें तो m की पावर 2 और ई स्क्वेयर करें तो भी m की पावर 2 और d की पावर 1 है तो मतलब m, ये से कट गया तो m की पावर -1 आ रहा है जो कि इसमें आ भी रहा है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ई स्क्वेयर में l की पावर 4 आ गया और पी स्क्वेयर में भी l की पावर 4 आएगा, ये अगेन कट जाएगा। ठीक है, और l की पावर -3 ऊपर जाएगा, l की पावर +3 इसमें आ रहा है। नेक्स्ट टाइम का बचा है देखते हैं, टाइम का देखें तो पीक में कितना आएगा, टी की पावर -6 और ई स्क्वेयर में देखें तो टी की पावर -4, सही है, ई स्क्वेयर टी की पावर -4 कट गया इससे तो टी की पावर -2 आ रहा है जो कि इसमें आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट है, ऑप्शन से आप ट्राई कीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप कंपेयर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 38 ए मैन ऑफ लेंथ सॉरी मास एम स्टैंड्स एट वन एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ लेंथ एल विच लाइज एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनल सर्फेस, द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक इफ द मास ऑफ द प्लैंक इज m/3 द डिस्टेंस दैट द मैन मूव्स रिलेटिव द ग्राउंड इज। देखो एक प्लैंक है, इसका मास है कैपिटल एम और एक मैन है जिसका मास है प्लैंक का मास m/3 है और मैन का मास है m, तो मैन को मैंने इस एंड पे रख दिया। प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं इस वाले एंड पर कंसीडर करता हूँ,
इसका मास भी मैंने m बाई थ्री कंसिडर कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पर, ठीक है। तो इसका मास भी यहीं पे है, इसका मास भी यहीं पे, तो ओवरऑल देखा जाए सेंट्रो मास पूरे सिस्टम का इसी लाइन पे रहेगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 मान लूँ तो सेंट्रो मास का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये मैन इस पे चलेगा, इधर जाएगा तो प्लैंक पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो प्लैंक इस तरफ शिफ्ट होगा, अल्टीमेटली प्लैंक का जो सेंट्रो मास है वो यहाँ आ गया। और लेट्स सी ये डिस्टेंस कितने चला, x चला इधर m बाई थ्री और मैन यहाँ आ चुका है m मास, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l माइनस x। तो ओवरऑल देखा जाए सेंट्रो मास अभी भी कहाँ रहना चाहिए, ओरिजिन पे रहना चाहिए। तो लगा दीजिए, देखो एक्सीएम इज शुड बी जीरो, सो एक्सीएम इज जीरो विच इज इक्वल टू m इंटू l माइनस x, और उसके लिए कितना आएगा माइनस m बाई थ्री इंटू x अपोन में m प्लस, जो भी करोगे इधर जाएगा जीरो ही हो जाएगा वो। तो खैर इसको सॉल्व कर लें फिर, तो m हट जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू कितना आया, l माइनस x माइनस x बाई थ्री, फोर एक्स बाई थ्री इक्वल टू एल, देन x इक्वल टू कितना आ गया, थ्री एल बाई फोर। तो ये जो प्लैंक है उसकी शिफ्टिंग कितनी हुई, 3L बाई 4 के बराबर हुई। लेकिन हमसे पूछा है कि मैन मूव्स रिलेटिव टू द ग्राउंड, इज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन कितना मूव किया, पहले यहाँ था इस पोजीशन पे था और यहाँ आया है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन कितना मूव किया, L माइनस x, L माइनस x, और x कितना है 3L बाई 4, सो L माइनस 3L बाई 4 इज L बाई 4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, सेकेंड। 39th, बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 4 re फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, वट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाई द बॉडी फॉर एस्केप। देखो अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे रखा आपने, 5 re, क्योंकि सर्फेस से डिस्टेंस कितना है 4 re, तो सेंटर से आ गया 5 re, ठीक है। यहाँ पर आपने ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन में 5 re, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बराबर अमाउंट में एनर्जी देंगे ना पॉजिटिव में, तभी एस्केप करेगा। इसका मतलब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, प्लस में जी एम स्मॉल एम बाई 5 re, एंड वी नो दैट जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो स्मॉल जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम जी आर ई, क्योंकि एक आर ई कट जाएगा अपोन में 5, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एम जी आर ई अपोन में 5, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, प्लेनेट हैज मास 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ व्हाइल द रेडियस ऑफ रेडियस इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, इफ द पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन ऑन द अर्थ सर्फेस टू हाइट ऑफ 90 मीटर देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लेनेट टू ए हाइट। तो सबसे पहले प्लेनेट पे ग्रेविटी फाइंड करते हैं, प्लेनेट पे ग्रेविटी कितनी होगी, जी डैश लिख देता हूँ इज इक्वल टू जी, मास इसका कितना है एम बाय 10 अर्थ के मास का, और रेडियस कितना है 1/3, तो डिवाइड में कितना आता है आर स्क्वायर आता है, तो आर स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बाई 10 जी एम अपॉन आर स्क्वेयर विच इज स्मॉल जी, तो ग्रेविटी जो है वो 9 बाई 10 के इक्वल है, 9 जी बाई 10 के इक्वल है। अर्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हम, तो लेट से उसकी हाइट h है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन 2g, और उस प्लेनेट पे थ्रो करोगे तो हाइट h डैश है विच इज वी स्क्वेयर अपॉन में 2g डैश, एंड g डैश की वैल्यू कितनी आएगी 9g बाई 10, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे और 10 ऊपर चला गया, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, एग्जैक्टली h के बराबर है, तो h इंटू में 10 बाय 9 हाइट तक जाएगा। h की वैल्यू 90 मीटर दे रखी है, 90 मीटर यहाँ रखेंगे तो 90 इंटू 10 बाय 9 मतलब 900 बाय 9 विच मीन्स 100 मीटर, तो उस प्लेनेट पर जो ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर तक राइज करेगा। 41, इफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5 एंड ऑपरेट्स एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर इन साइड द रेफ्रिजरेटर इज, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है COP किसके इक्वल होता है, TC अपॉन में TH माइनस TC, इसकी वैल्यू 5 के इक्वल दे रखी है आपको। TC जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर जो कि पूछा आपसे, TH बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 300 केल्विन, केल्विन में रखना जरूरी है यहाँ पे, माइनस TC, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1500 माइनस 5 TC बराबर TC, तो 1500 इज इक्वल टू 6 TC, इसे कट कर दीजिए, 3 से कट कर दो, ये 500, तो ये आ जाएगा 250, तो TC इक्वल टू कितना आ गया 250 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 42, ए मैन वांट टू क्रॉस द रिवर विड्थ 1 किलोमीटर इन शॉर्टेस्ट टाइम, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन इन रेस्ट वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड आउट द टाइम टेकन। देखो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो मैन को किस डायरेक्शन स्विम करना पड़ेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम ही तो पूछा है, ये विड्थ कितनी है रिवर की 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर, और स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्रॉसिंग में टाइम कितना लगेगा, हालांकि ये यूं जाएगा लेकिन रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा,
1000 अपॉन में स्पीड, डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड कितना होता है, 3 मिनट 180 सेकेंड प्लस 20 ना, तो 3 मिनट 20 सेकेंड में ये जो है वो क्रॉस कर लेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। टू यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2L एंड L हैज सॉरी L एज शोन देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज। दो रोड आपको दे रखी हैं, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 2L है, यूनिफॉर्म रोड है, तो अपन यही मान के चलेंगे कि मास डेंसिटी दोनों की सेम है। तो इसका मास अगर L लेंथ है तो इसका मास मैं M कंसीडर करता हूँ, और इसका सेंटर मास यहाँ पे लाई करेगा विच इज L बाई टू डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड, मास M, और इस रोड का लेंथ 2L है तो इसका मास ऑब्वियसली 2M होगा, और कितने लेंथ पे लाई करना चाहिए, L लेंथ पे। अब इस सिस्टम का सेंटर मास पूछा है कहाँ पे होगा, x कोऑर्डिनेट देखें, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 मतलब m इसको मानूं तो m इंटू x1 कितना आ जाएगा, L बाई टू, और m2 x2 2m इंटू x, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस 2m मतलब 3m, m से m कट गया, L बाई टू बाई 3 मतलब L बाई 6, तो x कोऑर्डिनेट L बाई 6 आना चाहिए, जो कि दो ऑप्शन में मिल रहा है अपन को। YCM देखते हैं, YCM देखें तो इसका YCM Y1 कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका कितना आएगा 2m इंटू वाई कोऑर्डिनेट इज L अपॉन में 2m प्लस m 3m, m से m कटा तो 2L बाई 3 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट मींस आंसर इज थर्ड, राइट, L बाई 6 एंड 2L बाई 3। A rod of length L, mass small m is free to rotate about point A in vertical plane. The rod is released from horizontal. The angular acceleration of rod is. इसको जैसे release करोगे, इस rod का angular acceleration आपसे पूछा है। देखो जैसे release करेंगे तो इस point A के about इस पर लगने वाला torque कितना होगा? Mg लगेगा यहाँ पर। Line of action से perpendicular distance कितनी आएगी? L by 2. So torque on this rod about A is Mg L by 2, which is I alpha. I किसके अबाउट आपने टॉर्क निकाला है, ए के अबाउट, तो ए के अबाउट ही हमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, इस एंड के अबाउट इंटू में अल्फा, एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, 3g बाई 2l जो है इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्थ ऑप्शन का जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्फेस ऑन द फिगर, इफ सी इज द सेंटर एंड ए एंड बी आर द टू पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी, then magnitude of velocity at point A, B and C is. देखिए ऑलमोस्ट पेरीफेरी पे ही है, रोल कर रही है, तो C की जो स्पीड है वो तो मान लो V है, और बाकी आपको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण स्पीड सबके साथ C होगी, लेकिन रोटेशनल मोशन के कारण भी V के बराबर स्पीड इनके पास होगी, तो वो स्पीड अपन इसके साथ अटैच करें तो B की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, देखिए V तो इधर रहेगी और V इधर रहेगी, तो ऑब्वियसली जो B की स्पीड है वो V और V का रिजल्टेंट होगा, कहीं ना कहीं इधर आएगा, जिसकी वैल्यू V से भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बी की स्पीड वी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बी की स्पीड वी से ज़्यादा होनी सी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये मैच कर रहा है, ऑब्वियसली मैच करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें देखें तो इसमें भी ठीक है, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी मैचिंग हो सकती है, लेकिन इक्वल 1/2 दे रखा है, तो ये तो सेटलमेंट होना इसका मुश्किल है, क्योंकि एंगल वगैरह अपन को कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, बाकी यहाँ अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी इसके अंदर, क्योंकि इसमें वी सी से ये दोनों कम है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ए पॉइंट पे चले तो ए पॉइंट पे ट्रांसलेशन मोशन के कारण स्पीड इस तरफ है और रोटेशन के कारण स्पीड इस तरफ होगी, तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो स्पीड वी, जैसे इस वाले पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बात करें तो स्पीड की वैल्यू 0 होती है, और इस वाले पॉइंट पे बात करें तो वी इधर होता है, वी इधर होता है, रूट टू वी आता है, सही है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है, वी के हो सकता है कि इस V के अराउंड हो, V के आसपास हो, V के लगभग बराबर हो, लेकिन ये कंफर्म है B की जो स्पीड है वो C से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब B वाली जो स्पीड है वो A वाली से भी ज़्यादा होगी और C वाली से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, तो B की जो स्पीड है वो A से भी ज़्यादा होगी और C से भी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया, A से कम बता रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, वी ए बराबर वी बी बता रहा है जो कि इनकरेक्ट है, वी ए वी बी, ठीक है, और VC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बता रहा है जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VA, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंसेस इन द रेशियो 1:3 इज। मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो मान लीजिए पहला जो टाइम लगा वो t1 लगा, t1 में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो s1 है, ठीक है, s मान लेता हूँ, बराबर आ जाएगा हाफ a इंटू t1 स्क्वायर,
नेक्स्ट जो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस का जो रेशियो 1:3 है, तो स्टार्टिंग से अगर अपन कहें तो स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4s ना, अगर पहले में s किया फिर दूसरे में अगर 3s किया है दूसरे टाइम इंटरवल में, तो टोटल कितना किया, 4s स्टार्टिंग से ही है, तो 1/2 a, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1, और अगला जो है सक्सेसिव डिस्टेंस जो है उसमें टाइम कितना लगा t2, तो होल स्क्वेयर कर दिया, डिवाइड करें तो 1/4 यहाँ आ जाएगा t1 स्क्वायर अपॉन में t1 प्लस t2 का स्क्वायर, मतलब t1 अपॉन में t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा 1/2 बराबर t1 अपॉन में t1 प्लस t2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, t1 प्लस t2 इक्वल टू 2t1, t1 हट जाएगा तो t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा t1, तो t1 और t2 का रेशियो कितना आ गया 1:1, फाइनल आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 47th, the component of vector A vector 2i cap plus 3j cap along the vector i cap plus j cap is, A vector का B vector के along component कितना होता है, A cos theta, so A cos theta is A dot B upon B ना, यही तो आएगा A cos theta, बस यही find करना आपको, तो A dot B कीजिए इसका, तो 2i 3j और i और j का dot product कितना आएगा, 2 into 1 2 and 3 into 1 3, 3 into 5, upon में mod of B करेंगे तो i cap plus j cap modulus कितना आएगा root 2, तो answer इसका कितना जाएगा first option 5/√2। 48th, in the figure a block of weight 60 newton is placed on a rough surface, the coefficient of friction between the block and the surface is 0.5, इसके बीच में 0.5 है friction coefficient, what minimum can be the weight w such that the block does not slip on the surface, minimum weight पूछा अपन से, तो सीधी सी बात है ये slipping की condition में आ चुका है, तो यहाँ पर frictional force की maximum value कितनी आएगी, mu into में n और n की value w के बराबर होगी, तो n की value w है which is 60 newton and mu is 0.5, 0.5 into 60 अगर करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 न्यूटन, तो उतना को उतना टेंशन फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा अपन को T, तो T की वैल्यू एक्जैक्टली 30 न्यूटन रखो, यहाँ पर सेम टेंशन इधर लगेगा, इस धागे में टेंशन मान लीजिए T डैश है, तो ये T डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा T डैश cos 45 विच इज T डैश बाय रूट टू, और एक ऊपर की तरफ आएगा T डैश बाय रूट टू, T डैश साइन 45, T डैश बाय रूट टू, T डैश बाय रूट टू W को बैलेंस करेगा, सो T डैश बाय रूट टू इज W एंड अगेन T डैश बाय रूट टू इज 30, सो दैट्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 30 न्यूटन, ये मिनिमम वेट है, इस ज्यादा वेट रखोगे तो डेफिनेटली ब्लॉक जो है स्लिप हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन 30 न्यूटन। 49, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एंड बी आर द कांस्टेंट, देन पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होता है, तो सबसे पहले आपको यू से एफ निकालना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का डी यू बाई डी एक्स, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, तो लगाइए इसको, तो माइनस 2ax आ गया ये एंड माइनस माइनस प्लस b आ गया, और फोर्स को किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो यहाँ से अपने पास ये जीरो है, इसके अकॉर्डिंग x बराबर कितना आ गया b अपॉन में 2a, तो x बराबर b बाई 2a अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एंड दिस विल बी u इज इक्वल टू a इंटू x का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b इंटू b बाई 2a, तो वैल्यू कितनी है, ए से ये तो कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a मतलब कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन x, देन वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 मीटर टू x इक्वल्स टू 0 मीटर इज, देखो f और fx के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो तो एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है, वर्क डन को बताता है, लेकिन यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहां पर आपने आपसे पूछा है कि इस फोर्स ने -2 मीटर से 0 मीटर तक कितना वर्क किया है, तो अगर आप गौर करो -2 यहां पर है और 0 यहां पर है, और इन दोनों मतलब इस लोकेशन पर जो भी पार्टिकल होगा उस पर लगने वाला जो फोर्स है ना उस फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब अगर पार्टिकल इस रीजन में है ना 0 से -2 के बीच में कहीं पे भी पार्टिकल है उस पार्टिकल को लगने वाला फोर्स जो है ना वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ है, लेकिन पार्टिकल जा किधर रहा है इस तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन जा इधर है, देन वर्क डन नेगेटिव होगा, क्लियर। लेकिन अगर इसमें ये दिया होता ना कि 0 से -2 तक बताओ कितना वर्क डन होगा तो उसके इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलती नहीं कर देना कि नीचे की तरफ है तो यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से आएगी, तो देखो बाकी वर्क डन निकालना तो एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया देखो एरिया द कर्व कितना आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 10, कट गया वैल्यू कितनी है 10 आई ना, अब ये प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है वो मैंने आपको बता दिया, तो पार्टिकल को -2 से 0 पे लेके आ रहे हो लेकिन फोर्स लग रहा है इस तरफ अपोजिट ला रहे हैं, तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया इस केस में नेगेटिव, तो आंसर इज -10 जूल, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता 0 से -2 के लिए तो उस केस में वर्क डन क्या जाता पॉजिटिव आ जाता प्लस का 10 जूल आ जाता, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लास्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा,
बाकी नीट एग्जाम के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, डरना नहीं है, मार्क्स लेके आने हैं शानदार वाले। ओके okay?